यूपी के बदायूं में समय पर सरकारी स्कूल ना खुलने का मामला सामने आया है। लोगों की कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा। यूपी के रामपुर में अवैध संबंधों में युवक की जान चली गई। युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था, जहां दोनों को परिजनों ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। महिला के पति और देवरों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। बाद में उसे जिला अस्पताल ले गए और सड़क हादसे में मौत होना बताकर वहां से भाग आए। दलपतपुर में अज्ञात चोरों ने प्राथमिक विद्यालय में जमकर उत्पात मचाया। आज सुबह अध्यापक दलपतपुर स्कूल पहुंचे तो कुछ कमरों के ताले टूटे हुए थे, रजिस्टर फटे हुए थे और सारा सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने एक गैस सिलेंडर, दो भगोने, दो परांठे, प्लेट ग्लास, टीएलएम का सामान, प्लास्टिक की चार कुर्सियों सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिए। यूपी के सीतापुर में अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मौके से शराब बनाने वाले उपकरण के साथ साथ 500 लीटर केमिकल और 10,000 खाली बोतल भारी मात्रा में रैपर बरामद किया। दौसा के लालसोट में कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला से कनेक्ट टू पीपल कैंपेन की शुरुआत की। सीएम ने इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके साथ चाय पर चर्चा भी की। वहीं सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता की समस्याएं सुनी और सरकारी योजनाओं को लेकर भी फीडबैक लिया। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के कई गांवों का तूफानी दौरा किया। कनेक्ट टू पीपल कार्यक्रम के तहत सीएम शाहबाद और पिहोवा होते हुए कैथल पहुंचे, जहां सीएम ने 17 गांवों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान सीएम ने कई सौगातें भी दी और विपक्ष पर निशाना भी साधा। गुरुग्राम पुलिस ने मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सेक्टर 29 इलाके में चल रहे एक मसाज पार्लर पर रेड करते हुए 5 विदेशी लड़कियों सहित कुल 11 को काबू किया। इसमें 4 युवक भी शामिल हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का सबसे कमजोर सीएम बताया है। झज्जर में अपने निवास स्थान पर पहुंचे धनखड़ ने हुड्डा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, हुड्डा अपनी ही सरकार में बनाई गई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के कमीशन खोर डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग ने टर्मिनेट कर दिया है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद आरोपी डॉक्टर को तुरंत नौकरी से हटाकर उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल कॉलेज के अंदर और बाहर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी भी की। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोड शो में हाईकोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ी। फतेहाबाद में सांसद हुड्डा के रोड शो के दौरान बुलेट बाइक से पटाखे फोड़े गए। इस दौरान यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हुड्डा जन क्रांति यात्रा के लिए निमंत्रण देने आए। जींद के जेल से फरार कुख्यात 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश मनजीत पर पहले से ही करीब 14 आपराधिक मामले दर्ज। पंचकुला पहुंचे सांसद राजकुमार सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सैनी ने देश को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़े करने का आरोप लगाया है। सैनी ने कहा कि जो मुद्दे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने समय में उठाया करते थे, वही मुद्दे आज राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे हैं। गोहाना में चोरों ने 2 मकाने और 3 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का सामान चोरी कर लिया। चोरों ने मकान से लाखों के जेवरात और दुकानों से लाखों के मोबाइल फोन चुरा लिए। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत कर मामला दर्ज कर लिया है और अपनी आगे की जांच शुरू कर दी। पानीपत के साईं बाबा चौक पर दोस्त की लापता बहन की तलाश करने पर बदमाशों ने जिम में आग लगा दी। आग लगने से जिम का करीब 7 लाख का सामान जल गया। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।